टॉपिक है दैट इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टैक बेसिकली व्हाट इज स्टैक, स्टैक की है, स्टैक एक तरह का स्टोरेज है जिसे इस तरह की आप स्टोरेज करते हैं, इस मैनर ना स्टोरेज करते हैं कि जिहड़ी आइटम आप सब तो लास्ट स्टोर करते हैं वह सब तो पहला फस्ट रिट्रीव कर देंगे, मतलब जिहड़े प्रिंसीपल से बेस्ड है दैट इज नोन एज लिफो, लास्ट इन फस्ट आउट। स्टैक का प्रिंसिपल की है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट आउट मीन्स की है सिंपल जी एग्जाम्पल है, आप कोई चाहे बुक्स रखी है चाहे ट्रे रखी है, आप चाहे कोई भी आप रैक के समान रख देंगे, सपोज आप कोई बुक्स रख देंगे इदा आप इन स्टैक कह देंगे। स्टैक च की है जो आप इन उठानी है बुक न, तो सब तो पहला की है जिमें पहली रखी है दूसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सो सब तो लास्ट इन, लास्ट इन कि फिफ्थ हैगी है, तो आउट कि होगी फस्ट, मीनस की है सब तो पहला जो उठावे वो कि होगी जी लास्ट च आप रखी हुई हैगी है, सो जी फस्ट च गई है वह सब तो लास्ट च आँदी है, तो जी लास्ट च आप सब प्लेस की हैगी है वह फस्ट आउट होंगी हैगी है। जिमें आप ट्रे की एग्जाम्पल है स्टैक की, तो जी टॉप से ट्रे होएगी वह सब तो पहला उठाई जाती है, सो इस प्रिंसीपल कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। सो बेसिकली इट इज द मेन वर्किंग ऑफ स्टैक, स्टैक इस तरह काम करते हैं। ये मैमरी च यदि जरूरत पैंती है, सीपी की जो मैमरी हैगी है ये डिफरेंट टाइप के स्टैक होंगे है, तो दूसरा ये की है ये एक स्टैक पॉइंटर होंगे है एस पी, इट इज नोन एज स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर का काम की है, जो स्टैक पॉइंटर है ये हमेशा गुड मॉर्निंग स्टैक पॉइंटर ये पॉइंट करता है जिहड़ी टॉप की आइटम हैगी है, जिहड़ी टॉप की आइटम हैगी जो स्टैक सपोज 5 आइटम्स हैगी है, जो स्टैक पॉइंटर हमेशा टॉप नू रैफर करेगा जो टॉप एड्रैस होएगा टॉप आइटम होएगी। सो ये की है सपोज एस केस की है जो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू की है, एस पी की वैल्यू की है 5, मीनस की है 5, जो जे ये की है आइटम आप निकाल सकते हैं, आइटम रिट्रीव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो आप आइटम नू ऐड कर देंगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू वध जानी। सपोज की है हुण स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 5 है, सपोज आप एक आइटम एच ऐड कर देनी है, ऐड करना मतलब की है एक आप आइटम होर ये की है ऐड करती आइटम दैट इज ये आप आइटम ऐड करती, ये आइटम ऐड करने के नाल की होएगा जिहड़ी स्टैक पॉइंटर की वैल्यू हैगी है दैट विल बी 6, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी 6, स्टैक पॉइंटर वैल्यू की हो जाएगी 6 हो जाएगी। सो की है हुण ये टॉप आइटम नू शो करता है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 6 हो गई। इदा ही की है जे आप आइटम नू इच्छों डिलीट कर देंगे या रिट्रीव कर लेंगे तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू वो अकॉर्डिंगली घट वध जाएगी। सो ये दो ऑपरेशन होंगे है, जो आप किसी आइटम नू ऐड करना होंदा हैगा स्टैक दे विच, जो आप आइटम स्टैक च ऐड करना हैगा उस ऑपरेशन नू आप की कहने पुश ऑपरेशन, किहड़ा ऑपरेशन कह देने हैं पुश, ते जो आप इस चो आइटम नू डिलीट करना हैगा उन्हें की कहने पॉप। दो ऑपरेशन आ, जे इहदे च आप आइटम ऐड कर देंगे उन्हें पुश कह देंगे हैगे, जे आइटम नू डिलीट करना है पॉप, मीनस की फॉर एग्जाम्पल हुण इहदे च की है मैं ये आइटम ऐड की सी, तो सो की इहनू की कहिंदे 6 आइटम इज पुश्ड इन टू द स्टैक, हाँ पुश स्टैक च की है पुश हो गई है। हुण सपोज मैं इस आइटम नू रिट्रीव करना हैगा, इस तो निकालना तो की है ये आइटम इतों चली गई, तो इस आइटम जो ये आइटम की है इतों आउट हो गई स्टैक चो, ये जी 6 आउट हो गई, तो जो ऑपरेशन होया दैट इज नोन एज पॉप, दैट इज नोन एज पॉप, नहीं पॉप की फॉर्म नहीं है, पॉप करना एक पुश होंगे पुश करना, पॉप होंगे आउट होनी कोई चीज, चीज आउट होनी, पॉप अप होंगे है वर्ड होंगे है जो किसी चीज़ को रिमूव करना, पॉप की फुल फॉर्म नहीं है। हाँ जी दो ऑपरेशन हैगी पुश ते पॉप, पुश ना ऐड होंगे तो पॉप नाल डिलीट होंगे है कोई आइटम स्टैक के। दूसरा की है स्टैक च एक्चुअल च की है
एक्चुअल कुछ भी ये ऑपरेशन की होंगे है कोई चीज पुश या पॉप नहीं की जाती, मतलब फिजिकली नहीं होंगी कंप्यूटर मैमरी च, जस्ट की है ये की है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू घटती वही जाती है। मतलब जे आप कुछ पुश किया तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू 6 हो गई, तो यह सिर्फ की है वैल्यू चेंज होती रहती है एज इट्स, कुछ भी पुश पॉप नहीं होंगे है। तो जे इन केस डिलीट करते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू घट जाती है, जो ऐड करते हैं स्टैक पॉइंटर की वैल्यू वध जाती है, सो इंक्रीज हो जाती है। सो दो तरह के स्टैक टाइप्स ऑफ स्टैक्स होंगे है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैक्स, वन इज रजिस्टर स्टैक, टू टाइप्स ऑफ स्टैक्स, एंड सेकेंड इज मैमरी स्टैक। जिहड़ा रजिस्टर स्टैक च की है ये लार्ज मैमरी च प्लेस किया हुंदा हैगा, इहदे च फाइनाइट नंबर ऑफ मैमरी वर्ड या रजिस्टर होंदे हैगे, फाइनाइट वर्ड ऑफ। हुण आपां पहला कर देंगे रजिस्टर स्टैक, सो पहला की है रजिस्टर स्टैक, रजिस्टर स्टैक की है उहदी मैं डायग्राम बना देना रजिस्टर स्टैक दी। हुण की है एक मैं स्टैक शो किया हैगा, ये 64 एड्रेसिस का है, 64 वर्ड्स आ सकते हैं। 64 वर्ड कितना बने, 0 तो लैके 63, 0 टू 63 कितना हो गया, इट इज 64। मतलब कि इतने 64 वर्ड तुम प्लेस कर सकते हैं, ये फर्दर इदा ही है सारे बने हुए, जिवें ए बी सी इदा तुम फर्दर प्लेस कर सकते हो। सो इस केस की है ये 64 वर्ड्स नू 64 मैमरी वर्ड स्टोर कर सकते हैं स्टैक दे विच, मैमरी वर्ड स्टोर कर सकते हैं। सो ये चार चीजा मैं शो की है, एक तो एड्रेस शो किया है, ये स्टैक शो किया है, ये स्टैक पॉइंटर है, स्टैक पॉइंटर है, ये डाटा रजिस्टर है, ये फुल ते एम्प्टी शो किया है। सो ये चार केस ही हो सकते हैं, चार केस का मतलब की है पहले च की है, पहला की है इस तीन आइटम है, ए भी एक मैमरी आइटम हैगी है, बी ते सी तीन आइटम ऐड की है। सो स्टैक पॉइंटर किस नू शो कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक, मीनस की जिहड़ी जगह ते आइटम हैगी है टॉप आइटम हैगी है उहनू रैफर कर रहा है, हालांकि बाकी अपना स्टैक खाली पिया हैगा, पर इस टाइम की है तीन आइटम स्टोर कीतियां तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कितनी हैगी है, 3, स्टैक पॉइंटर की 3। हाँ नहीं, स्टैक ए सीज का वैल्यू, सीज की है मैम वैल्यू जिहड़ी स्टोर कीती है, पर स्टैक पॉइंटर का एड्रेस की है 3, मीनस की है जिहड़ी है 3 नू एड्रेस कर रहा है, मतलब दिस की है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये की दीज आर द एड्रेसिज, ये स्टैक के एड्रेसिज है तो सी इस टाइम टॉप पे है, इस करके स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी, सी हैगी है। सो जे इतों रीड करना मैमरी, जे आप रिमूव करनी है टॉप आइटम तो स्टैक नू पॉप किया जाता है बाय रीडिंग द मैमरी वर्ड एट एड्रेस 3, इतों रीड किया जाऊगा एंड डिक्रीमेंट द कंटेंट, मीन सी नू आप रीड कर लेंगे तो आप एस पी दे जिहड़ा काउंटर है वैल्यू 2 कर देंगे तो आटोमैटिकली ये वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ये की हो जाएगा वैल्यू ताड़ी 2 आ जाएगी, ताड़ा स्टैक की मतलब दो ऑपरेशन ही है, जे तुसी ऐड करता तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू उपर चली, हुण जिवें तुसी डिलीट किया सी तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी, 2, हुण बी नू रैफर करेगा। सपोज हुण की है जे तुसी डिलीट नहीं किया, सपोज तुसी एक ऐड करना हैगा, तुसी पुश करती आइटम डी आइटम, तो हुण वैल्यू स्टैक की पॉइंटर की वैल्यू कितनी होगी, 4 डी होगी, मतलब डी वैल्यू होगी तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू एड्रेस की हो गया 4 हो गया। सो इदा ही स्टैक पॉइंटर की वैल्यू इनक्रीज होंगी रहती है तो डिक्रीज होंगी रहती है, जो वैल्यू इनक्रीज होंगी उदो पुश ऑपरेशन होंगे,
ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਪੌਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਈਟਮ ਡਿਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਆਈਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ। ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ, ਇਹ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪੁਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਐਚ ਓ ਈ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਟਮ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪੁਸ਼। ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ 64 MB ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੇ ਐਮਪਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਪਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਕ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਟੈਕ ਜੇ ਫੁੱਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਐਮਪਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਮਪਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਐਮਪਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਐਮਪਟੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਅਪ ਟੂ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਐਕਸ ਜਾਂ ਵਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਟੈਕ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਵਰਡ ਐਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਰਡ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵਰਡ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਪਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਐਮਪਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸਟੈਕ ਐਮਪਟੀ ਆ, ਸਟੈਕ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਸਟੈਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਕਸੀਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, 64 ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 3 ਹੋਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ 1-bit ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ 1 ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਐਮਪਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਐਮਪਟੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਪਟੀ ਇਜ਼ ਸੈੱਟ ਟੂ 1 ਵੈਨ ਸਟੈਕ ਇਜ਼ ਐਮਪਟੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਮਪਟੀ 1 ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੈਕ ਆਪਣਾ ਐਮਪਟੀ ਹੈਗਾ। ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਇੱਥੋਂ ਐਡ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਟਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਕ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੌਪ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ। ਐਮਪਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਐਮਪਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟੈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪਟੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ 0 ਹੋਏਗਾ, ਐਮਪਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਕ ਐਮਪਟੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਉਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟੈਕ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਈਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਟੈਕ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ।